नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम 12 वेव की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और वेव्स को बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 12 वेव की डेफिनेशन देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन। 12 वेव इज यूज फॉर पैरेलल डायगोनल इफेक्ट। मतलब क्या है? 12 वेव के प्रयोग से कपड़े में समांतर विकर्ण देखने को मिलता है। पैरेलल का मतलब समांतर, डायगोनल का मतलब विकर्ण। तो उसमें एक डायगोनल लाइन देखने को मिलेगी। और क्या है? 12 वेव ऑर्डर ऑफ इंटरलेसिंग कॉजेस डायगोनल लाइन टू बी फॉर्म इन द क्लॉथ। मतलब इस वेव में वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से कपड़ों में विकर्ण रेखाएं बनती हैं और इसका मिनिमम रिपीट जो है 3x3 होता है। फिर से देखते हैं। 12 वेव के प्रयोग से कपड़े में समांतर विकर्ण देखने को मिलता है। इस वेव में वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से कपड़ों में विकर्ण रेखाएं बनती हैं। अभी वेव जब बनाएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसका मिनिमम एरिया जो है मिनिमम रिपीट 3x3 का होता है। इससे कम एरिया में ये वेव नहीं बन पाएगी। तो चलिए वेव बना करके देखते हैं। इसमें हमने एरिया लिया हुआ है 3x3 का, 3x3 का। इसमें हम अप एंड डाउन जो है 2 अप 1 डाउन लेंगे। और इसमें डिफरेंट क्या है? वो जो हम बोल रहे थे पैरेलल विकर्ण रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो इसमें पहले हम एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी डायगोनल लाइन हो गई जो हम देख रहे थे। इसमें 12 वेव के प्रयोग से कपड़े में समांतर विकर्ण देखने को मिलता है। इस वेव में वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से कपड़ों में विकर्ण रेखाएं बनती हैं। तो एक विकर्ण रेखा बन रही है। अब जो है 2 अप 1 डाउन इसको बनाते हैं। तो 1 अप ऑलरेडी हो गया हमारा, तो अभी इसको 2 अप करना है। ये हो गया 2 अप 1 डाउन। अब हमें जो अप एंड डाउन लेना है ये हमारी बेस लाइन हो गई। रेड कलर से जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन तो जो हमें अप एंड डाउन लेना है ये इस बेस लाइन के ऊपर से ही लेना है। जैसे हमारा 2 अप 1 डाउन, तो पहले बार में 1 2 2 अप 1 डाउन, दूसरे में कैसे लेंगे? इसके ऊपर से 1 2 2 अप 1 डाउन। अब तीसरे में कैसे लेंगे? 1 ये हो गया, तो इसके आगे हमारा ये आ जाएगा, ये वाला, ये इसके ऊपर ये हमारा जो एरिया है इसके ऊपर फिर से ये रखेंगे तो ये वाला हमारा कॉलम आ जाएगा, ये वाला सेल जो है आ जाएगा इसके ऊपर अगर रखेंगे। तो अभी ये व्यू हमारी रेडी हो गई है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, रेड कलर से एक बेस लाइन बना ली डायगोनल इफेक्ट के लिए। और फिर उसके बाद 2 अप 1 डाउन जो भी हमें बेस लाइन दिख रही है उसके ऊपर से ही हमको 2 अप 1 डाउन देखना है। तो पहले में हमने ले लिया 2 अप 1 डाउन। अब दूसरी बेस लाइन यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 2 अप हो गया, इसके बाद हमारा यहाँ बचा तो इसको डाउन कर दिया। फिर तीसरे वार्प में बेस लाइन ये हो गई, ये हो गया 1 अप, फिर इसके बाद ये आएगा 1 अप, ये 1 डाउन, 2 अप 2 डाउन हो गया। तो वेव रेडी हो गई हमारी। अब इसका ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे? ड्राफ्ट जैसे हम देखते थे जिस वार्प पे वर्किंग अलग होती थी, मतलब अप एंड डाउन अलग होता था, तो उसके लिए हम नई हील्ड का यूज करते थे और जिसका सेम रहता था उसका उसी हील्ड पे दिखा देते थे। तो प्लेन वेव में हमारी 2 ही हील्ड यूज होती थी और 12 वेव में हमारा जितना एरिया रहेगा, मतलब मिनिमम रिपीट जो भी एरिया लेंगे, जैसे इसमें 3x3 का लिया है तो हमारा
ड्राफ्ट भी जो है 3x3 में ही बनेगा। चलिए ड्राफ्ट बना के देखते हैं। ये हमारी इस वाले वार की जो वर्किंग है अलग है, इसके लिए हमने पहली हील्ड यूज कर ली। फिर दूसरे वार की वर्किंग देखिए, मतलब वर्किंग अलग दिख रहा है, डिज़ाइन अलग दिख रही है, तो इसके लिए हम दूसरी हील्ड यूज करेंगे। अब तीसरे वाले वार की डिज़ाइन जो है हमें वो भी अलग दिख रही है, तो इसके लिए हम तीसरी हील यूज करें। मतलब जितने वार्प हैं हर वार्प पे अलग डिज़ाइन है, तो हर वार्प के अप एंड डाउन के लिए हम अलग अलग हील का यूज करेंगे। तो ये हमारी क्विल वीव रेडी हो गई है। हमने पहले भी अपनी मिनिमम रिपीट में दिखाया हुआ है। मिनिमम रिपीट जैसे कि हमने बताया था 3x3 का है, हमने 3x3 में पहली वीव बनाई है। अब आते हैं इसका पैक प्लान कैसे बनेगा। पहली हील्ड ये रही, इसमें कौन से वार्प की वर्किंग दिखाई गई है, ये वाले, तो देखते हैं। पहली हील्ड हमें इसमें दिखाना है, तो इसके सामने जो भी है ये हो गया। दूसरी हील्ड ये वाले अप एंड डाउन दिखाने, इसमें एक एक पकड़ लीजिए। ये पहला वार्प हो गया, पहले वार्प किस में दिखाना है, दूसरा वार्प ये हो गया, तीसरा वार्प ये हो गया। तो ये हमारी व्यू रेडी हो गई, ड्राफ्ट रेडी हो गया, पैक प्लान रेडी हो गया। अब आते हैं हमारा डेंटिंग ऑर्डर, दो यार्न एक डेंट से पास करेंगे। अभी दूसरे के लिए यहाँ पे अब एक ही बच रहा है, तो हम इसको ऐसे ही दिखा देंगे, एक यार्न। तो ये हमारी एक वीव रेडी हो गई है मिनिमम रिपीट में, क्विल वीव 2 up 1 down की। अब एक थोड़ा बड़ी वीव देखते हैं, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका हमने एरिया लिया 6x6 का, तो इसमें हम अप एंड डाउन कितना करने वाले हैं, मान लीजिए 4 up 2 down करने वाले हैं, 4 up 2 down। तो पहले हम बेस लाइन बना लेते हैं। बेस लाइन हमारी वैसे ही बनेगी, डायगोनल एक बना देंगे, ये हो गई हमारी बेस लाइन। अब इसमें हम व्यू बनाएंगे अप एंड डाउन, कितने हमारा 4 up 2 down। तो बेस लाइन के ऊपर से हम शुरू कर देते हैं। पहले बात में 1 up तो ऑलरेडी है, बेस लाइन हो गई है, ये रही है 1 2 3 4, 4 up 2 down। नेक्स्ट बार पे ये हो गया 1 2 3 4, 4 up हो गया, 2 down हो गया, एक ही रहा 2 down। ऐसे इस पे 4 up हो गया, 2 down। अब इस पे 3। अब इसके आगे नहीं है, तो हम इसके नीचे जो पहला वाला सेल रहेगा उसी पे हम वार्प अप दिखा देंगे। अब इसमें 4 up कैसे दिखाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 4 up 2 down। इसमें 1 इधर हो गया, 2 3 4, 4 up 2 down। ये हमारी 6x6 एरिया में क्विल वीव रेडी हो गई है। अब इसका ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट में भी जो है 6x6 का ही लेना पड़ेगा। इसमें भी जो है हर वार्प के लिए अलग से हील यूज करनी पड़ेगी, तो 6 वार्प हैं तो 6 हील यूज होंगी। देखिए पहले वार्प की वर्किंग ये रही, इसके लिए हमने ये हील यूज कर ली। दूसरे वार्प की वर्किंग अलग है, देख लीजिए किसी से मैच कर रही है क्या, दूसरा वाला वार्प ये रहा, तो इसकी डिज़ाइन जो है किसी से मैच कर रही, किसी से नहीं, तो नई हील यूज कर लेंगे। तीसरे वार्प की देखिए, ये भी डिज़ाइन अलग है, इसके लिए फिर ये नई हील हो गई। चौथा वार्प, इसकी भी डिज़ाइन अलग है। पांचवा वार्प, इसकी भी डिज़ाइन अलग है। छठा वार्प देख लीजिए, इसकी भी डिज़ाइन अलग है। ये हो गया, मतलब हर वार्प के लिए अलग अलग डिज़ाइन, सॉरी हर वार्प के लिए अलग अलग हील यूज करनी पड़ेगी। अब आते हैं इसके पैक प्लान में, पैक प्लान कैसे बनाएंगे। भाई इसमें तो अभी पैक प्लान में ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए,
जैसी व्यू है सेम टू सेम वैसा ही पिक प्लान में दिखा देना है। पहला वार्प ये, इसके लिए ये हील्ड अप हुई है तो इसमें हमें दिखाना है पहले वार्प की पूरी डिजाइन इधर शो कर देनी है। ये हो गई। अब दूसरा वार्प ये रहा, इसके लिए ये वाली इसमें दिखाना है। ये हो गया। तीसरे के लिए ये हो गया। चौथे के लिए पांचवे के लिए छठे वार्प के लिए ये हो गया। हर वार्प के लिए अलग हील यूज हो रही है तो जैसा व्यू है वैसा ही यहाँ पे दिखा देंगे। अब आते हैं डेंटिंग ऑर्डर। डेंटिंग ऑर्डर में तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे एक डेंट से दो यान पास कर रहे हैं तो किसी किसी एरिया में हो सकता है एक डेंट से दो दो यान पास करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन लास्ट का जो वार्प है सिंगल बचेगा। जैसे कि इसमें बचा था 3x3 का एरिया लिया था तो इसमें तीन ही वार्प थे तो एक डेंट से दो यान पास किए फिर एक डेंट से सिंगल यान पास करना पड़ा। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 12 व्यू आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी तरह की व्यूज हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ 12 डेरिवेटिव्स, तो ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक हो गया स्ट्रेट 12, दूसरा हो गया पॉइंटेड 12। तो अभी आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट 12 के बारे में बताऊंगा, पॉइंटेड 12 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेट 12 कितने तरह की होती हैं और उसे कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रेट 12 वेव जो है दो तरह की होती है, एक राइट हैंडेड 12 वेव, दूसरी लेफ्ट हैंडेड 12 वेव। अब ये कि हमने जो डायगोनल लाइंस ली थी उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। राइट हैंडेड 12 वेव में क्या है कि डायगोनल लाइन हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे राइट की तरफ लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंडेड 12 वेव में क्या है, डायगोनल लाइन हम राइट से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे। तो इस बेस पे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये दोनों तरह की एक एक व्यू बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरिया फिर से वही लिया है 6x6 का। और अप एंड डाउन जो है 4 अप 2 डाउन का ही लेंगे। इसका भी जो है एरिया 6x6 का अप एंड डाउन 4 अप 2 डाउन। तो ये हम रखेंगे 12 व्यू और ये रहेगी लेफ्ट हैंडेड 12। चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले बेस लाइन, ये हो गई। अब 4 अप 2 डाउन जैसे भी लास्ट के व्यू में बनाया था वैसे ही कर लेते हैं। ये व्यू रेडी हो गई। अभी इसका ड्राफ्ट भी आपको बनाना सिखा दिया है और पैक प्लान में सेम ये व्यू उतार देनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
एक दो तीन चार, डेंटिंग ऑर्डर एक दिन से धो जाना। ये हमारी राइट हैंडेड ट्विल वीव रेडी हो गई है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंडेड ट्विल वीव इसको कैसे बनाते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी व्यू बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंडेड ट्विल वीव में क्या है, बेस लाइन जो है हम यहाँ से बनाएंगे, ये व्यू पूरी तरह से उल्टी हो जाएगी। तो अब इसमें फोर अप टू डाउन, वन हमारा ये हो गया, वन टू थ्री फोर, फोर अप टू डाउन हो गया, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तो ये राइट हैंडेड ट्विल व्यू आपने देख ली और ये हो गए लेफ्ट हैंडेड ट्विल व्यू। तो इसमें बेस लाइन का फ़र्क है, बेस लाइन आपको लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट में ख़त्म हो रही है, लेफ्ट हैंडेड में बेस लाइन लेफ्ट से स्टार्ट होगी राइट में ख़त्म होगी। और ये जो अप एंड डाउन है ये आपको बेस लाइन के ऊपर से ही शुरू करना है, बेस लाइन से ही शुरू करना है। फोर अप करना है तो बेस लाइन का एक हो गया, बाकी तीन आपको अप करने हैं, फिर दूसरे बार में एक बेस लाइन का हो गया आप, तीन आपको अप करने कर दिया, फिर बेस लाइन का एक अप, दो इधर एक इधर, फोर अप हो गए, इधर फोर अप टू डाउन, फोर अप टू डाउन, फोर अप टू डाउन। तो आपको व्यू क्लियर हुई होगी। अब क्योंकि व्यू हमारी उल्टी हो गई है, मतलब राइट हैंडेड व्यू जो है इसको पलट दिया जाए तो लेफ्ट हैंडेड हो गई है, तो अब ड्राफ्ट कैसे बनेगा, ड्राफ्ट भी इसका उल्टा बनना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ड्राफ्ट हमारा वैसा ही बनेगा जैसा कि ये है, ड्राफ्ट हमारा वैसा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम व्यू को नहीं पकड़ रहे हैं, वार्प की वर्किंग देखते हैं, इस वार्प में डिज़ाइन क्या है अलग है, इसके लिए हम ये हो गया, दूसरे वार्प की डिज़ाइन अलग है तो दूसरे हील्ड का यूज करेंगे, तीसरे वार्प की वर्किंग या डिज़ाइन बोल दें अलग है तो ये यूज करेंगे, चौथे बार की ऐसे ऐसे करके ड्राफ्ट हमारा यहीं से शुरू होगा। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि व्यू उल्टी हो जाती है तो आप सोचेंगे कि ड्राफ्ट भी उल्टा कर देंगे, तो ड्राफ्ट उल्टा नहीं होगा, ड्राफ्ट आपको व्यू को देख कर के ही बनाना है, पहले बार की वर्किंग पहली हील्ड में, H1 में, H2, H3, H4, H5, H6। तो आपको पहले वार्प की हील्ड, पहले वार्प की डिज़ाइन जो है हील्ड नंबर 1 में दिखाना है, दूसरे वार्प की डिज़ाइन हील्ड नंबर 2 में, तीसरे वार्प की हील्ड नंबर 3 में, चौथे वार्प की H4 हील्ड में, पांचवे की H5 में, छठे की H6 में। अब पिक प्लान हमारा ज़रूर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पिक प्लान हम व्यू को देख करके बनाते हैं, पहले हील्ड की वर्किंग ई वाली दिखा रहे हैं, तो ये हो गया पिक प्लान, आपका व्यू के हिसाब से पलट जाएगा। ये हो गए तीन का, चौथे का हो गया, पांचवे का ये हो गया, छठे वार्प का ये हो गया, ये हमारा पैक प्लान भी रेडी हो गया। तो अब डेंटिंग ऑर्डर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, डेंटिंग ऑर्डर में अभी तक आपने सभी व्यू में देखा कोई चेंज नहीं है। तो देखिए
अभी दोनों व्यू में क्या अंतर है आपको समझ में आ रहा है? व्यू में भी अंतर दिख रहा है, पैक प्लान में भी आपको अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यू चेंज है तो पैक प्लान भी उसका चेंज हो जाएगा, व्यू चेंज है पैक प्लान भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ड्राफ्ट हमारा उसका डिज़ाइन से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये देखना है ड्राफ्ट में कि जितने भी वार्प यूज कर रहे हैं वो हर एक वार्प की डिज़ाइन अगर अलग है तो हम डिज़ाइन के हिसाब से फील्ड का सिलेक्शन करेंगे। अगर किसी वार्प पे डिज़ाइन सेम है तो उसको हम उसी हील से दिखा देंगे, उसमें ऑलरेडी पहले दिखा चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को व्हील व्यू की डेफिनेशन, व्हील व्यू की डिज़ाइन और उसका क्लासिफिकेशन और राइट हैंडेड व्हील व्यू और लेफ्ट हैंडेड व्हील व्यू बनाना आ गया होगा, और ये दोनों व्यू के बीच में डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि इंच वाला ग्राफ पैड ले करके उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको व्यू याद रहेगी, लेकिन 2 दिन बाद फिर आपके ध्यान से उतर जाएगी, आप व्यू को भूल जाएंगे, कैसे बनती है वो आपके याद में नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा नहीं 5-6 व्यू बना करके प्रैक्टिस कीजिए तो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। चलिए पॉइंटेड 12 व्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।